गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई अगेन प्रेजेंट विथ ए न्यू लेक्चर टॉपिक फॉर बीएससी एजीएन ऑनर्स पार्ट थर्ड. टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग फॉर सॉयल मैपिंग. सॉयल मैपिंग को आप कैरटोग्राफी भी बोलते हैं, जिसको मानचित्रकारी या नक्शा नवीसी भी बोलते हैं. नक्शे एंड ग्राफिक्स के अध्ययन प्राकृतिक परिवर्तन के स्थानीय वितरण, नक्शा तैयार करने की प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विधि के आवेदन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, नोन एज कार्टोग्राफी. देश के इलाके में जो नक्शा सबसे अधिक इस्तेमाल राष्ट्रीय क्षेत्र और अन्य रूपों में किया जाता है. नक्शे में आप नेत्रहीन राष्ट्रीय क्षेत्र का दायरा और सीमाएं, प्रशासनिक क्षेत्र, प्रमुख शहर, नदियां, मिट्टियां, उत्पादन जिसमें फसलें, प्रौद्योगिकी एवं अन्य भौगोलिक जानकारियां, संसाधन और प्रसारण की अभिव्यक्ति को दर्शाने एवं परिभाषित करने में उपयोग कर सकते हैं. लगभग 4,500 वर्षों में और फिर अगले लेखे जोखों का विस्तार प्रारंभ की उत्पत्ति से अब तक की प्रक्रिया को आसानी से परिभाषित कर समझ सकते हैं. फोर्थ बीसी यानी चौथी बिफोर क्रिस्ट अरस्तु पृथ्वी गोलकार है कि बहस की लोग पृथ्वी की परिधि की परिधि और एक बेलनकार नक्शा प्रक्षेपण के उद्भव को मापने के लिए शुरू किया. गणित के नियमों के अनुसार स्थापित टालेमी और पिकजर्ड दो प्राचीन मानचित्रकार द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं और वर्ग जाल में स्थान का वर्णन है. अभी भी नक्शे के गणितीय आधार प्रचलित हैं. 16वीं सदी से पूर्व पश्चिम एक्सचेंज दो समन्वय सिस्टम भी एक नक्शे से में दिखाई देते हैं. चीन के महान किंग एकीकृत नक्शा में नक्शे नेटवर्क के रूप में अक्षांश व देशांतर रेखाओं को नक्शे पर भली भांति दर्शाया गया. 1405 से 1433 में चीनी नाविकों द्वारा जुआंग समुद्री चार्ट, जिसको समुद्री चार्ट कहा जाता है, जुआंग उपयोग करने के लिए अपनी तरह का पहला बड़ा उपयोग किया गया. 16वीं सदी के बाद चीन के समर्थन में और विद्वानों के सहयोग में दुनिया भूगोल के पश्चिम और पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल किया. 17वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय देशों औद्योगिक क्रांति अनुभव महान सामाजिक और आर्थिक विकास किया. कॉलोनियों के विस्तार, समुद्री व्यापार मार्गों का पता लगाने का क्रम जारी हुआ तथा खनन में भूमि संसाधन, युद्ध के लिए सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक स्थलाकृति का विकास हुआ. ये 1791 में ब्रिटिश स्थापित आयुध सर्वेक्षण
सर्वेक्षण हुआ। 20वीं सदी जिसको मानचित्र 20वीं सदी की मानचित्रकारी एक समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा विकसित हुई जिसमें दूसरी ओर व्यापक कार्टोग्राफी का उद्भव हुआ और मानचित्र प्राकृतिक जटिल समस्याओं एवं भूमि प्रबंधन के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ। ये ज़्यादा जो कार्टोग्राफी पे काम है 20वीं सदी में ज़्यादा विकसित रूप से हुई है, जिसमें पीछे का तो थोड़ा बहुत जानकारी रही जिससे हम समस्याओं से अवगत ही हुए, लेकिन 20वीं सदी में खास करके प्राकृतिक जो समस्याएं हैं उनका ज्ञान हुआ और भूमि के प्रबंधन के रूप में इसको उपयोग में लिया गया कार्टोग्राफी को। 1932 में मनुष्य हवाई मंच पर मानचित्रण नक्शे का उपयोग फोटोग्राफी का पहला उपयोग या पहला प्रयोग हुआ। फोटोग्राफमेट्री लगभग पूरी तरह से व्यापक रूप से शहर सिंचाई मिट्टियां वन खानों के चित्रण पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा। वर्ष 1972 में दुनिया का पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण पृथ्वी संसाधन सर्वेक्षण बाह्य अंतरिक्ष से पूरे ग्रह का निरीक्षण कर तेजी से सही तुल्यांकलन और बड़े क्षेत्र का आकलन व जानकारी के लिए एक नए स्रोत के रूप में विकसित हुआ तथा मौसम विज्ञान का भी विकास प्रारंभ हुआ। ये 1972 के बाद इसी दशक में प्रतीक के रूप में कंप्यूटर का परिचय सूचना युग में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ। सूचना प्रसारण उत्पादन इनपुट्स प्रसंस्करण भंडारण आदि की डिजिटल जानकारी नए रूपों में प्रदर्शित हुई। कंप्यूटर एडेड मसौदा तैयार करने के तेजी से विकास नक्शा प्रेक्षण प्रक्षेपण परिवर्तन स्केलिंग और नक्शा सामान्यीकरण संपादन करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है तथा कई देशों में एक नक्शा डेटाबेस की स्थापना हुई है। नक्शे गणितीय विश्लेषण प्रणाली की एक किस्म सहित एक जटिल बहुआयामी जानकारी है जो भविष्यवाणी एवं मौसम की जानकारी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है। वर्तमान में GIS प्रणाली आधुनिकतम जानकारी प्रदान करता है। सामग्री एवं अध्ययन अनुसंधान नक्शा नवीसी पृथ्वी की सतह का अध्ययन प्राकृतिक व सामाजिक संरचना की घटना सभी स्थानिक जानकारी जैसे फसलें मिट्टी प्राकृतिक आपदाओं और इतिहास सही स्थानिक जानकारी का विशेष स्रोत है। यानी नक्शे से ही हम विकास की योजनाएं निर्धारित करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उस जगह की फसलें मिट्टी या आपदाएं जो मुख्यतः होती हैं उनकी जानकारी नक्शे के माध्यम से हमें मिलती है और स्थानिक विशेष के प्रबंधन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है और अच्छा स्रोत इसको माना गया है। इसकी सहायता से पर्यावरण अध्ययन या ज्ञान के क्षेत्र में भी विकास संभव है। दैट्स ओके फॉर टुडे कार्टोग्राफीज। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।